वोट डालना आपका कौमी फरीजा है जो आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी है। इलेक्शन में वोट डालने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है जो सारा साल जारी रहती है, लेकिन इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद रजिस्ट्रेशन फ्रीज हो जाती है। अगर आपको चेक करना है कि आप वोट डाल सकते हैं तो अपना CNIC नंबर 8300 पर SMS करें। इसके रिस्पॉन्स में ECP आपको आपके हलके और पोलिंग स्टेशन की मालूमात फराहम कर देगा। अगर आप पहली दफ़ा वोट डाल रहे हैं तो आइए जानते हैं वोट डालने का तरीका। वोट डालने के लिए आपको ओरिजिनल CNIC ले जाना लाजमी है। ID कार्ड चेक करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका नाम और नंबर इंतखाबी फहरिस्त में चेक करेगा और उसको मार्क कर देगा। चूंकि फरवरी 8 को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली दोनों के इलेक्शन होंगे तो आपको दो बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके दोनों बैलेट पेपर्स पे साइन और स्टैम्प करेगा और आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि ये दोनों चीज़ें आपके बैलेट पेपर से मौजूद हों, वरना आपका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपके अंगूठे या उंगली पर अनमिट इंक से निशान लगा देगा। बाद अज़ां प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका वोटर नंबर इंतखाबी फहरिस्त पर और CNIC नंबर बैलेट पेपर के काउंटर फॉइल पर नोट करेगा और स्टैम्प लगाकर साइन कर देगा। उसके बाद वो इंतखाबी फहरिस्त पे आपकी एंट्री के साथ आपका थंब इंप्रेशन भी लेगा। बैलेट पेपर के हासिल करने के बाद आप पोलिंग बूथ जाएंगे और अपने उम्मीदवार के नाम और सिंबल के आगे स्टैम्प लगाएंगे। फिर आपको वो पेपर लंबाई में फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना है ताकि आपके पेपर की इंक किसी और पेपर को ना लग जाए, वरना आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। याद रखें कि वोटिंग के दौरान लाइंस बहुत लंबी होंगी, तो आप दूसरों का ख्याल रखते हुए वोट जल्दी डालिएगा।